स्टेट का जीडीपी था 92 लाख, लेकिन सरप्लस घट के रह गया मात्र 1450 करोड़। मतलब ये केंद्र सरकार से पूछ रहे थे पैसा कहाँ गया, जवाब इनको देना है। और रेवड़ी का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, एज ए लॉयर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके कानून मंत्री ने अपनी विधानसभा स्पीच में बोला है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी विल बी एक्सटेंडेड टू लॉयर्स चैम्बर्स विद इन द कोर्ट प्रोमाइसेस। मतलब सर इस देश में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम है 4 लाख रुपए और दिल्ली का कोर्ट का वकील इतना गरीब है कि उसको फ्री बिजली चाहिए, ये सरकार दे रही है सर फ्री बिजली वकीलों। ठीक विजय सरदाना, सर मुझे ये बताइए यही शॉर्टकट है, स्कीम है यही शॉर्टकट है, क्योंकि इसमें फिर मतलब ये एक जनरल परसेप्शन होती है सर। मैं अजय आलोक के पास जा रहा हूं, मुदिता अग्रवाल सर, मैंने एक मिनट अच्छा चलिए एक लाइन आप बोलिए सर, बोलिए 10 सेकंड और दीजिए प्लीज। ये दिल्ली का बजट है, हर तबके को कुछ ना कुछ फ्री दिया गया है, चाहे उसकी जरूरत नहीं, ऑल लिखा है, टारगेटेड नहीं है, ऑल 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 ऑल, ताकि सबसे वोट मिल सके। धन्यवाद सर। टारगेटेड हो तो रिलीफ है, फॉर ऑल हो तो फ्रीबीज है, यही फर्क है। जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं, टारगेटेड हो, डिप्राइव्ड के लिए हो तो वो तो है रिलीफ, जैसे जनकल्याण कुछ योजना है, राशन दिया जा रहा है, वो दिया जाना चाहिए, कोविड में दिया गया, वो सारी चीजें हैं, उसके कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन वोट के लिए चुनावी घूस अगर है, रिश्वतखोरी है, वोट के लिए फॉर ऑल है, जिसको नहीं भी, जो दे सकता है बिल वो उसको भी पानी का बिल फ्री, जो दे सकता है बिजली का बिल उसको भी, यही शॉर्टकट है जिसका जिक्र शायद प्रधानमंत्री ने किया था कि ये शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट हो जाता है देशों का। मैं मुदित अग्रवाल और अजय आलोक आप दोनों का एक एक कमेंट ले रहा हूं, पहले मैं मुदित अग्रवाल आपका ले रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है इसमें मुदित जी? देखिए बड़ा बहुत स्पष्ट पक्ष है जो जैसे मैं इसको देखता, कोई भी काम जो सिर्फ वोट लेने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए किया जाता है उसको मैं फ्रीबी कहूंगा, लेकिन जो जन कल्याण योजनाएं लोगों के भले के लिए की जाती हैं, जो सरकारों को करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होती है, जैसे जो लाइन में आखिरी आदमी खड़ा है उसकी मदद करें, उसको मैं जन कल्याण योजना कहूंगा। ये एक और फर्क है जो मैं फ्रीबी और जन कल्याण योजनाओं में कहूंगा। देखिए आज ये डिबेट हो रही है जब से मोदी जी और केजरीवाल जी आए हैं, जब कांग्रेस ने 70 साल देश को चलाया था कभी ये डिबेट नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने सबका ध्यान भी रखा था, सब्सिडीज भी दी थी जिन टारगेटेड लोगों को देनी चाहिए थी, चाहे वो फ्यूल सब्सिडी हो, चाहे एलपीजी सब्सिडी हो, चाहे वो मनरेगा का एक्ट लाए जिससे लोगों की मदद हुई और एसेट भी बने, चाहे वो राइट टू फूड हो या राइट टू एजुकेशन के अंडर जो स्पेंडिंग हुई, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई, जो फ्री एजुकेशन लोगों को दी गई, जो फ्री हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना पर लोगों को फ्री हेल्थ केयर भी दी गई, उसका एम कुछ और था, या जो फार्मर्स को हमने लोन माफ किया उसका एम था जो डिस्ट्रेस सेगमेंट है उसकी आप मदद करें, उससे क्या हुआ, आपने लोगों की मदद की, लोग अपने पैरों पे खड़े हुआ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने इतना अच्छा किया कि 70 साल में जहां देश में सुई भी नहीं बनती थी पांचवे या छठे नंबर पे आके खड़ी हो गई, वो कांग्रेस की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए दोबारा से मैंने कहा सिर्फ ये फर्क कर लीजिए, जो काम किया जाता है सिर्फ इलेक्शन जीतने के उद्देश्य से, जैसे हिमाचल के बीजेपी के सीएम ने कहा मैं बिजली माफ कर दूंगा, वो भी केजरीवाल जी की राह पे चल रहे हैं, जो टारगेटेड नहीं है और जो मोदी जी करते रहते हैं, उनको सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है उसके अलावा कुछ देखते नहीं है, केजरीवाल जी को भी सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है, ना शॉर्ट टर्म ना मीडियम टर्म ना लॉन्ग टर्म राज्य या देश का वो ध्यान रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसको भी मैं शॉर्ट का कहूंगा, अपनी मित्रता बनाने के लिए अपने दोस्तों से कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जिससे 1,44,000 करोड़ का देश को नुकसान हुआ, उसको मैं फ्रीबी कहूंगा मोदी जी ने जो अपने दोस्तों को दी, एक फ्रीबी और दी जो 11 लाख करोड़ का, जिसका अमन जी मानते नहीं है, 10 से 11 लाख करोड़ का इन्होंने लोन माफी किए, एनपीए बने हैं जिसमें से सिर्फ 10% ही वापस आया है, 90% खत्म हो गया, उसको भी मैं फ्रीबी कहूंगा जो मोदी जी ने, समझ लीजिए कोई बुराई नहीं है, दोस्तों को दिया, जिससे अज्ञानता दूर होने में बुराई नहीं होती मोदी जी। एक चीज और मैं बोलूंगा, लोन माफ नहीं होता, माफ होता तो बोलूंगा फिर आप 9 लाख करोड़ वापस नहीं आता सर। अमन जी एक चीज और, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए सर, बोल लीजिए सिर्फ 10% जी जी। देखिए जो एनपीए 10 या 11 लाख करोड़ हुआ है उसमें सिर्फ 1 लाख करोड़ सिर्फ 10% वापस आए। एक चीज जो सदाना साहब ने थोड़े से स्टैटिस्टिक्स गलत दे दिए, देखिए जब केजरीवाल जी बात करते हैं मैंने दिल्ली में एजुकेशन व्यवस्था सुधार दी, एक नया स्कूल नहीं बना, शीला जी के समय में 16 लाख बच्चे 16.5 लाख दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में जाते थे, आज उसका नंबर शायद ही 10 या 20। एक
सदाना साहब एक सेकंड, सदाना साहब एक सेकंड, बोलने दीजिए, मैं कुछ और कह रहा था। अजय आलोक के पास, सदाना साहब एक दूसरे पे नहीं बोलिए, अजय आलोक के पास आ रहा हूं, रवि भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके बोलिए, मैं आ रहा हूं, मुदित भाई आपने 2 मिनट, अच्छा चलिए अभी बचा है, आपने 2 से 2.5 मिनट बोला, मैंने आपको नहीं दूंगा, अब बस करते हैं, सबको इक्वल टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड लूंगा सिर्फ, ओनली 10 सेकंड, चलिए बोलिए 10 सेकंड ले लीजिए, ओनली 10 सेकंड, जो जी जो नहीं सदाना साहब मैं आपको गलत नहीं कह रहा था, जो आपने कहा था 30 लाख बच्चे पढ़ते थे वो एक्चुअली शीला जी के समय में 16.5 लाख थे, जो अब बढ़ के शायद 10-20 हजार बढ़े हैं पिछले 8 साल में केजरीवाल जी की सरकार में, तो ये डेटा एक अक्सर उनकी पोल खोल देता है। मुफ्त की रेवड़ी, इसके खिलाफ जो बोलते हैं वो ये मैसेज जाता है कि आप रिलीफ जो गरीबों को दिया जा रहा है उसके खिलाफ है, आपका क्या पक्ष है अजय आलोक? नहीं देखिए अमन जी, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, हम कोई कॉर्पोरेट स्टेट तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन ये बहुत मायने रखता है कि आपको वेलफेयर स्कीम और मुफ्त की रेवड़ी इन दोनों में संतुलन बना के चलना होगा। ये संतुलन आदमी मिस करता है और ये देश मिस कर रहा है संतुलन को 1985 से, जब जयललिता ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी तमिलनाडु से, और उसके बाद ये बढ़ते चला गया। रीसेंट चैंपियन इसके अरविंद केजरीवाल हैं। भाई कोविड काल में अगर हम 80 करोड़ लोगों को भोजन नहीं देते, राशन नहीं देते, जब सारा लॉकडाउन लगा हुआ था, 2-2 बार लॉकडाउन लगा, आर्थिक गतिविधियां कम थी, तो वो गरीब व्यक्ति जो दिहाड़ी काम करके कर रहा है, जैसा काम बंद हो गया, वो खाना कैसे खाता? क्या ये उपलब्धि नहीं है कि कोविड काल में एक भी भूख से मौत नहीं हुई, इतने लोग ट्रैवल किए? इसलिए वेलफेयर स्कीम और रेवड़ी स्कीम में समझना जरूरी है। पंजाब में इन्होंने घोषणा कर दी कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 75 लाख कनेक्शन है, 20,000 करोड़ का महीने का असर आएगा सरकार पे, 2,82,000 करोड़ का ऑलरेडी लोन है, पैसा कहाँ से आएगा? ये लोन तो बढ़ते ही चला जाएगा, और उसके बाद फिर केंद्र सरकार से जाके कहेंगे कि पैकेज दीजिए 50,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, तो ये तो सबको समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में घोषणा की कि स्कूटी देंगे लड़कियों को 10th पास करने पे, तो इस तरह की घोषणाएं जो हैं, बिहार में भी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो कि जिसकी जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं कि लगभग यहां पे 693 योजना चल रही हैं और 150-200 योजना मैं बिल्कुल फालतू मानता हूं, जिसमें 20,000 करोड़ सरकार के खर्च हो रहे हैं और वो एक्चुअली धरातल पर जा नहीं रहा है। इसमें लूट भी होती है, इसमें बंदरबांट भी होती है। अगर हर राज्यों में CBI इन्वेस्टिगेशन खाली योजनाओं पर हो जाए तो पता चलेगा कि कार्यान्वयन मुश्किल से 20% है, 80% पैसा खा जाया जा रहा है फ्रीबीज के नाम पे। आज ही आरोप लगे हैं कि दो छात्रों को दिल्ली में, दो छात्रों को लोन दिलवाया 5-10 लाख का और 19 करोड़ डकार गए हैं। तो ये सब सोचना पड़ेगा, राज्यों की माली सेहत के लिए सोचना पड़ेगा। देश की विज्ञापन 19 करोड़ का था और दो छात्रों को 10-10 लाख के 20 लाख के लोन मिले थे, जिस योजना के विज्ञापन पर भी 19 करोड़ खर्च कर दिए गए उस पर 2 छात्रों को लोन मिला सिर्फ 20 लाख का, वो खबर ये है। बहरहाल मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन ये समझाते हुए मुदित भाई, ये आपके लिए है, ये समझाते हुए ब्रेक पर जा रहा हूं। लोन वेव ऑफ होता है माफ, वेव ऑफ और राइट ऑफ में फर्क होता है मुदित भाई। राइट ऑफ लोन माफी नहीं होता, अगर होता ना मुदित जी तो 8.5 लाख करोड़ वापस नहीं आते। अगर राइट ऑफ है तो फिर रिकवरी कैसे हो रही है? वेव ऑफ होता है माफ, मैं आपके लिए समझा रहा हूं। जैसे किसानों का लोन वेव ऑफ मतलब माफ कर दिया गया, राइट आप समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है समझने में, मैंने भी समझा इसी चीज को, मैंने पढ़ा है। राइट ऑफ सरदाना जी से भी मेरी बात हुई थी, एक उदाहरण के लिए 8 लाख करोड़ वापस आया है, 8.5 लाख करोड़ कर रहे हैं लोगों को 8 साल में, 8 पॉइंट सुन लीजिए अमन जी, आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, 8.6 लाख करोड़ वापस आया दे रहे हैं। और सुनिए एक और चीज बस मैं बता रहा हूँ ब्रेक पर जाने से पहले, एक और चीज बस मैं ब्रेक पर जाने से पहले बता रहा हूँ, अगर लोन राइट ऑफ हो रहा है तो उसको बैलेंस शीट से हटाया जा रहा है, रिकवरी चलती रहेगी सर, वो चल रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं चेक कर लीजिए, ब्रेक पर जा रहा हूं चेक कर लीजिए, 8 सालों में 8.6 लाख करोड़ रिकवर किया गया, राइट ऑफ में से भी रिकवर किया जाता है, राइट ऑफ लोन माफी नहीं होती प्रभु समझ लीजिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे।